Good morning, dear student. BCom Semester 5 English Medium, R.R. Mehta College of Science and C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur. Dear student, in our previous lectures, we discussed detailed theory about process costing and then after how to prepare process costing account. So in our previous lectures we discuss about format of process accounting, process account 1, process account 2, and then after process account 3, and we also prepare normal wastage account, abnormal wastage account and abnormal gain. How to calculate this example? So in this lectures I choose example number 1 from your book. So now I read the information related to our example, and after complete the informations I will start our calculation step by step. So friends, I read the information. A product passes through 3 distinct processes to completion. These processes are numbered respectively 1, 2 and 3. During the first week of March 2013, 500 units are introduced. The following information is obtained. Material, process 1, process 2 and process 3. So material we use in process 1, 30,000, 2, 50,000 and 3, 10,000. Labor, we paid labor to 25,000, 20,000 and 25,000. Direct expenses 5,000, 1,000 and 5,000. The indirect expenses for the period were rupees 14,000 approximately to the processes on the basis of wages. No work in progress or process stocks exist at the close of the work. You are required to prepare process account showing total cost per unit in each process. तो friends, यहाँ पे हमें क्या दिखा बोला गया है कि हम शुरुआत की जो हमारा process था उसमें हम 500 units को input कर रहे हैं और उसके लिए हम ये सब खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। तो अब हमें पर यूनिट इसकी कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद उसका टोटल कॉस्ट निकालना है। अब यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड वेयर रुपीज 40,000 अप्रोक्सिमेटली टू द प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। अब इसमें हमारा इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है वो कितना हुआ, टोटल 14,000, और उसको हमें कैसे डिवाइड करना है, तो वेजेस यानी कि लेबर इसके प्रोपोर्शन पे हमें इसको बेस बना के हमें क्या करना है, हमें वो बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट 1। तो इन दिस एग्जांपल इंट्रोड्यूस यूनिट नंबर 500 यूनिट्स। ओके, तो प्रोसेस अकाउंट 1, तो सबसे पहले हम डेबिट साइड बात करते हैं। तो मटेरियल, तो हम पहले यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो लिख देते हैं 30,000, उसके बाद लेबर 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, ये सब हमें दिया हुआ है, सेम एट सेम है एज इट इज, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, उसके बाद देन आफ्टर अब हमें बोला गया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। उससे पहले हम सबका पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम, तो मटेरियल जो था उसका हुआ 60, लेबर का हो गया 50, डायरेक्ट एक्सपेंस का हो गया 10 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया हमारा 10 रुपीज। ओके, अब कैसे आया वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन 40,000 वेजेस प्रोपोर्शन, हमारा जो लेबर था यहाँ पे लेबर उसको हम वेजेस भी बोल सकते हैं, तो 25,000 20,000 एंड 25,000, तो हमने यहाँ पे 25,000 20,000 25,000, तो इसका हमने वो प्रोपोर्शन निकाल दिया, तो 5 जेम 4 जेम 5। अब इसको हमें क्या करना है, सभी जो 40,000 था उसको सभी हमें तीनों के तीन जो हमारे प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देना है।
तो प्रोसेस वन में 40,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 14 तो 5,000, प्रोसेस टू में 4,000 और प्रोसेस थ्री में 5,000 जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। तो 5,000 था, उसके बाद 500 रुपीज 500 यूनिट से, तो पर यूनिट कितना हुआ 10 रुपीज, तो 10 रुपीज यहाँ पे 5,000। ओके, सबका टोटल कर लेते हैं हम, तो टोटल हमारा यूनिट हो गया एक 130 और 65 रुपीज, 130 मल्टीप्लाई 500 यानी कि 65,000 रुपीज। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्सपेंस हुआ वो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी इसको हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी हुआ वही, इसको बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट टू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे दोनों का जो पैर है इसके टोटल्स वो हमें इक्वल करना है। तो इस तरह से हमें प्रोसेस अकाउंट वन बनाना है, बहुत ही सिंपल है ये, आपको एक बार दो बार समझ में, आप कैलकुलेशन अपने सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हम अपने प्रोसेस अकाउंट टू की ओर, हमने जो भी कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली है, अब हम जो हमारा जो प्रिपेयर जो माल था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर किया, प्रोसेस अकाउंट टू में। तो प्रोसेस अकाउंट टू का हम अकाउंट बनाएंगे, तो प्रोसेस अकाउंट टू, तो सबसे पहले क्या करना है, टू ट्रांसफर टू प्रोसेस अकाउंट, यहाँ पे हमने क्या किया था, बाय किया था। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू कर दिया, टू ट्रांसफर प्रोसेस मीन्स कि प्रोसेस अकाउंट में से जो माल आगे भेजा गया वो, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 130 थी और 65 रुपीज थी। अब प्रोसेस टू में हमने कितना मटेरियल, कितना लेबर्स या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे किया है वो देख लेते हैं, तो 15,000, 20,000 एंड 1,000। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15,000, एक मिनट क्या हुआ, 15, 20 एंड 1। ओके, 20 एंड 1,000। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,000। ओके, तो हो गए हमारा ये। अब उसके बाद हम यहाँ पे अब इसकी पर कोस्ट जो है वो निकाल लेते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4,000 वो हमने यहाँ पे प्रोसेस टू में यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो 4,000। अब इन सब की हम क्या निकाल लेते हैं, कोस्ट पर यूनिट, तो 15,000 अपॉन 500 यानी कि 30 रुपीज, 21,500 यानी कि 40, 1,000 अपॉन 500 यानी कि 2 रुपीज, और 4,000 अपॉन 500 यानी कि 8 रुपीज, इन सब का टोटल 130 प्लस 30 160 प्लस 200 202 200 प्लस 8 यानी कि 210, तो 210 रुपीज हमारा टोटल कॉस्ट पर हो गया। और उसके बाद 500 यूनिट का कितना कॉस्ट हुआ, तो 210 मल्टीप्लाई 5 यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाए। अब इस टोटल को हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो कुछ नॉर्मल वेस्ट है या एबनॉर्मल वेस्टेज है, कुछ भी है नहीं, सिर्फ ये सिंपल एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, तब यहाँ पे हमारा ट्रांसफर हो गया, टोटल जो यूनिट थे वो हमारा दोनों का पेयर वो सेम टू सेम हो गए। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोसेस, क्योंकि हमने अब यहाँ पे हम माल ट्रांसफर किया तो प्रोसेस अकाउंट थ्री में कर दिया। अब प्रोसेस अकाउंट थ्री में हमने माल ट्रांसफर कर दिया, तब हमें आगे अब प्रोसेस अकाउंट थ्री का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो प्रोसेस अकाउंट थ्री का अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तो सबसे पहले टू ट्रांसफर टू प्रोसेस अकाउंट टू, यहाँ के हमने यहाँ पे जो माल ट्रांसफर किया था वो यहाँ पे हम पहले इसको ला देते हैं, उसकी बाकी जो बैलेंसेज है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, तो 210 और 1,05,000। अब उसके बाद प्रोसेस थ्री में हमने कितना मटेरियल से, लेबर से, इनडायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट वेजेस हमने पे किया, तो 10,000, 25,000 एंड 5,000, तो 10,000, 25,000 एंड 5,000, तो यहाँ पे 10,000, 20,000, 5,000 एंड 5,000। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट थ्री में यहाँ पे है 25,000, वो यहाँ पे लिख देते। ओके, तो अब हमने लिख दिया कि भाई मटेरियल 10,000 का हमने यूज किया, लेबर 25,000 रुपीज पे किए, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, तो वो हमने यहाँ पे फर्स्ट पे किए दिया था कि प्रोसेस अकाउंट थ्री में हमें कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000, तो वो हमने यहाँ पे
इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, मीन्स कि उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद इन सब की पर यूनिट हम उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो मटेरियल होगा वो 20 रुपीज़ आएगा, लेबर जो 50 रुपीज़ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस 10 रुपीज़ आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी 10 रुपीज़ आएगा। तो सबका टोटल कर लेते हैं कि 210 प्लस 20 यानी कि 30 प्लस 80 90 एंड 300, तो 300 रुपीज़ जो है हमारा टोटल हो गया। अब उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया, बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, क्योंकि इसके आगे कोई भी प्रोसेस अकाउंट है नहीं। यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट, हम प्रोसेस अकाउंट वन में जो माल इनपुट करते हैं वो प्रोसेस अकाउंट थ्री में कंप्लीट हो जाता है और स्टॉक में चला जाता है या गोडाउन में चला जाता है, फिनिश स्टॉक में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आगे हमें कोई जो भी बोलते हैं हम उसको, वो हमारी प्रोसेस नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जो भी हमारा जो प्रोडक्शन हुआ, जो भी हमारा यहाँ पे यूनिट हुए, जो भी हुआ, तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फिनिश स्टॉक पे ट्रांसफर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप इसको एक बार घर पे अगर आप करेंगे अपनी प्रैक्टिस में तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इसको एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह और इस एग्जांपल को आप एक या दो बार अपनी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें घर पे, ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में और एक दूसरे एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सलामत रहिए। जब भी बाहर निकले तब मास्क पहनना ना भूले और अपने हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप खुद हेल्दी रहेंगे तो आपका पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। इसीलिए सतर्क रहे और सजग रहे। थैंक यू। जय हिंद।